अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी चिकन चीज कबाब। बहुत ही बढ़िया बन जाती है, आसानी से झटपट बनेंगे और बहुत टेस्टी बनती है। मैं इसे हरी चटनी, टमाटर सॉस और 2 मिनट में इंस्टेंट, मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर डाली है, 2 मिनट इंस्टेंट रेड चिली चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे रेड चिली चटनी 2 मिनट इंस्टेंट वाली और हरी अपनी ग्रीन चटनी कोथमीर पुदीने की, उसकी रेसिपी लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी बिना टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए थोड़ा सा पानी बॉईल करने रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए नमक और 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच तेल डाल दीजिए। उबाल आ जाए तो आधा कप मैक्रोनी डाल दीजिए और फास्ट आंच पर इसे बॉईल हो जाने दीजिए। जब अच्छा बॉईल हो जाती है और गल जाए तो इसे छानकर छन्नी के ऊपर रख दीजिए और इसके ऊपर क्विकली है ना ठंडा पानी या नॉर्मल भी पानी डालोगे ना सादा वो भी डाल दीजिए, तो उससे क्या है ना इसका जो पकने का जो ये रहेगा ना प्रोसीजर वो बंद हो जाएगा। तो अब इसे छन्नी पर रहने दीजिए। अच्छा, मैंने चिकन बॉईल कर ली थी, तकरीबन समझिए ना 150 से 200 ग्राम चिकन थी, उसमें कुछ नहीं डाला, थोड़ा पानी नमक डालकर 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, अच्छा बॉईल हो गया तो श्रेड कर लिया। ये 2 मीडियम साइज के आलू बॉईल करे हुए छील निकाली हुई और इसे इस तरीके से रफली मैश कर लीजिए हाथों की मदद से। वो जो मैक्रोनी हमने बनाकर रखी है आधा कप वो भी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैं 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं मिर्चों के बजाय। अच्छा, मैं 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून भरकर मायोनीज का डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा, मैंने उसके बाद चखा तो मुझे थोड़ा सा मायोनीज कम लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाला और बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। तो चलिए शेप दे देते हैं कबाब का। तेल को हाथों में लगाइए, ग्रीस कर लीजिए हाथों को, एक छोटा सा पोर्शन लीजिए मिक्सचर का और इस तरीके से चपटा करते जाइए और बीच में खुरची हुई चीज डाल दीजिए। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ी कम ही डाल रही हूँ, और इसे इस तरीके से सील करते जाइए और कबाब का शेप दे दीजिए। इसी तरीके से सारे कबाब बना लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर पिज्जा चीज ले रही हूँ, आप चाहें तो प्रोसेस्ड लें या फिर मोजरेला लें। अगर आपको एकदम वो जो ऐसी स्ट्रिंग टाइप निकलती है वैसी चाहिए तो मोज़रेला ले लीजिए। चलिए ये मैंने सारे बना लिए हैं, अब आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। एक प्याले में एक अंडा फोड़कर डाल दीजिए, 1.5 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार और बहुत अच्छे से फेंट लीजिए अंडे को। दूसरे प्याले के अंदर ब्रेड क्रम्स निकाल लीजिए। अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। एक कबाब लीजिए, अंडे में बहुत अच्छे से उलट पलट करके लोटिए और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे से कोट कीजिए इवनली चारों ओर से और इसे साइड पर रख दीजिए। तो ये बन गई हमारी मैक्रोनी चीज चिकन कबाब 1। इसी तरीके से सारे कर लीजिए। ये मेजरमेंट में तकरीबन 10 कबाब बनती है। अब आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आप चाहें तो फिर फ्राई कर लें या फिर स्टोर कर लें। स्टोर करने का प्रोसीजर ये है कि आप जिप लॉक बैग के अंदर एक एक करके ये सारे जो कबाब हैं इन्हें इस तरीके से लगाते जाएं और जिप लॉक कर दें और इसे फ्रीजर के अंदर रख दें। तकरीबन आप 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। आधे में अभी फ्रीज कर रही हूँ और आधे में अभी फ्राई भी कर रही हूँ। चलिए फ्राइंग कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर तेल डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, जब अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 2-3 एट अ टाइम कबाब डाल दीजिए और उसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए। उलट पलट करते जाएं और उसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक चारों ओर से ये गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बाकी भी बैचेस में फ्राई कर लीजिए। माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने हैं, मैं आपको एक खोल कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बढ़िया से चीज़ी बने, आप देख सकते हैं हल्के हल्के वो स्ट्रिंग टाइप भी निकले हैं, आप देख सकते हैं। ये वैसे क्योंकि ये पिज़्ज़ा चीज़ था इसके लिए इसमें थोड़े से स्ट्रिंग टाइप निकले, मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं डाली, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। काली मिर्च, हरी मिर्च, ये सब अपने स्वाद अनुसार डालिएगा।
तो है ना मजेदार, मजा आया ना देख के, एकदम चीजी है, चिकन भी है, मजा आएगा आपको खा के। अच्छा अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।